महंगाई 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 यानी इन्फ्लेशन। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, कम पड़ जाती ईमानदारी की कमाई। महंगाई क्या है? महंगाई यानी इन्फ्लेशन। क्या है इन्फ्लेशन? क्यों होता है इन्फ्लेशन? आखिर है क्या ये चीज? आइए बात करते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, ईयर 1958 में अगर मैं आपको एक 100 रुपए का नोट दूं और आप उस नोट को अपने बेड के नीचे छुपा दें और आज के दिन अगर आप उस नोट को बाहर निकालें तो उस नोट की वैल्यू रह जाती है सिर्फ 1 रुपए 20 पैसे। यकीन नहीं हुआ? अभी यकीन करा देते हैं, कोई बात नहीं, आपको दूसरे एंगल से समझाता हूँ। आज के दिन अगर आप बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं जिसका प्राइस है 100 रुपए, तो ईयर 1958 में उस चीज का प्राइस होता 1 रुपए 20 पैसे। यानी आज के दिन के 100 रुपए और ईयर 1958 के 1 रुपए 20 पैसे दोनों बराबर है। ये है दोस्तों इन्फ्लेशन का कमाल। सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये महंगाई होती क्यों है? कौन करा रहा है इस इन्फ्लेशन को? क्या सरकार में बैठे कुछ लोग अपनी मनमर्जी चलाकर चीजों के प्राइस बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्फ्लेशन होने के पीछे कई रीजंस हैं और 4 मेन रीजंस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो में। पहला रीजन बड़ा सिंपल है दोस्तों, इकोनॉमिक बूम होना, यानी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो जनता के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। जब जनता के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो उनके पास ज्यादा पैसे होंगे अलग अलग चीजों पे खर्च करने के लिए, यानी हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो जो बिजनेसेस और कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, वो देखेंगे कि हम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि बहुत लोग हैं खरीदने वाले, तो वो प्राइस बढ़ा देंगे और इन्फ्लेशन हो जाएगा यहाँ पर। इसको अगर एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो इमेजिन करिए दोस्तों कि एक एरोप्लेन है और उसमें 100 सीट्स हैं। 100 पैसेंजर्स को उस एरोप्लेन में जाना है, लेकिन उसमें 10 फर्स्ट क्लास सीट्स हैं और बाकी 90 इकोनॉमी क्लास सीट्स हैं। अब जो पैसेंजर्स हैं, अगर आप उन सबको ज्यादा पैसे दे दोगे, सबको इतने पैसे दे दोगे कि सबके सब फर्स्ट क्लास सीट्स को अफोर्ड कर पाए, तो सबके सब फर्स्ट क्लास सीट्स पर जाना चाहेंगे, लेकिन सीट्स तो वहाँ पर 10 ही हैं। सबके सब तो फर्स्ट क्लास सीट्स पर जा नहीं सकते, तो होगा क्या इसके रिस्पांस में? इसके रिस्पांस में दोस्तों, जो एयरलाइंस हैं, वो अपने फर्स्ट क्लास सीट्स के प्राइसेस को और ऊपर बढ़ा देंगे ताकि जिन लोगों के पास और ज्यादा पैसे हैं सिर्फ वही लोग फर्स्ट क्लास सीट्स पर जा सके। तो बेसिकली एयरप्लेन सीट्स के प्राइसेस में इन्फ्लेशन हो गई। इस टाइप के इन्फ्लेशन को बोलते हैं दोस्तों डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। दूसरा रीजन है दोस्तों रॉ मटेरियल्स का प्राइसेस बढ़ना अलग अलग रीजंस की वजह से। जैसे कि आपके गेहूं चावल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं एक खराब मॉनसून सीजन की वजह से। सरकार ने कुछ नया टैक्स इम्पोज कर दिया किसी रॉ मटेरियल पे, तो जो बिजनेसेस और कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके उन्हें अब वह बनाना महंगा पड़ेगा और प्रॉफिट में रहने के लिए वो अपने प्राइसेस को बढ़ा देंगे, जिससे कि यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगी। इस इन्फ्लेशन को बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा रीजन है दोस्तों आप सबकी सैलरी बढ़ना। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जब कंपनीज और सरकारें अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाते हैं तो उनको प्रॉफिट में रहने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ाने पड़ते हैं और इस चीज को कहते हैं दोस्तों वेज पुश इन्फ्लेशन। और फाइनली चौथा रीजन है दोस्तों करेंसी डेप्रिसिएशन होना। ये कई रीजंस की वजह से होता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज सरकार की तरफ से ज्यादा नोट्स को प्रिंट किया जाना, जिसकी वजह से करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देती है। ये बहुत ही खतरनाक रीजन है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकती है, जिसके बारे में मैं आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो में समझाऊंगा। अगर प्रेजेंट डे की बात करें, आज के दिन दोस्तों दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट नीचे जाने लग रहा है। जरा सोच के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लॉकडाउन लगाए हैं दुनिया भर में, उसकी वजह से डिमांड नीचे आ गई है। लोग सामान कम खरीद रहे हैं, लोग ट्रेवल पे कम जा रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं, तो लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, इसलिए ओवरऑल डिमांड कम हो गई है। और जो मैंने आपको पहला रीजन बताया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, उसका बिल्कुल अपोजिट होने लग रहा है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या इन्फ्लेशन जरूरी है? क्या होगा दोस्तों अगर 0% इन्फ्लेशन हो तो? अगर आप ऊपर से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, महंगाई नहीं हो रही है, चीजों के दाम बढ़ नहीं रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम सस्ते में हर चीज को अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम ज्यादा पैसे सेव कर पा रहे हैं, और अगर हम पैसे को सेव करके रखेंगे तो ओवर टाइम पैसों की वैल्यू भी डिक्रीज नहीं होगी, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको रीजंस बताए थे कि इन्फ्लेशन होती क्यों है, तो आपको देखने को मिलेगा कि 0% इन्फ्लेशन एक्चुअली में अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कंपनीज आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगी, आपकी सैलरी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्योंकि सैलरीज कभी नीचे नहीं जा सकती। इसलिए इन जनरल इन्फ्लेशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। और तीसरा एक और रीजन है, अगर डिफ्लेशन हो रही हो, चीजों के प्राइसेस साल भर साल कम होते जा रहे होंगे, तो लोग पैसे स्पेंड नहीं करना चाहेंगे, लोग सोचेंगे कि पैसे को बचा कर रखते हैं, सेव करके रखते हैं, और जो चीज हमें खरीदनी है वो आज से 5 साल बाद अगर डिफ्लेशन हो रही होगी तो हमें और सस्ती मिलेगी, तो हम 5 साल बाद खरीदेंगे, अभी क्यों खरीदें। इससे ओवरऑल जनता की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, तो बिजनेसेस लॉस में जाने लगेंगे, और बिजनेसेस लॉस में जाने लगेंगे तो लोगों की जॉब लूज होने लगेंगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगी। बड़ा ही लंबा कनेक्शन मैंने आपको यहाँ बताया है। आप सोचेंगे क्या एक्चुअली में ऐसा होगा क्या? ऐसा होता है दोस्तों। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोस्तों। इस ग्राफ को यहाँ कहते हैं फिलिप्स कर्व। ये हमें दिखाता है कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक इनवर्स रिलेशन है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और यही इंटरेस्टिंग रिलेशन है दोस्तों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ऐसा होता होगा, लेकिन होता ऐसा ही है रियलिटी में। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि ज्यादा इन्फ्लेशन तो बुरी चीज है ही, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, और वहीं अगर कम इन्फ्लेशन होता है तो वो भी बुरी चीज है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो एक ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए इन्फ्लेशन का किसी देश के लिए, क्या हो सकता है? ये डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये रेट होता है दोस्तों 2%। डेवलप्ड कंट्रीज जिनके बैंक्स और सरकारों ने डिसाइड करा होता है कि उनको उनके इन्फ्लेशन रेट को 2% के अराउंड रखना होता है, अगर वो उससे कम हो जाता है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर इन्फ्लेशन रेट 2% से बढ़ जाता है तो उसे कम करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया के लिए ये रेट है दोस्तों 4%, प्लस माइनस 2% का मार्जिन है यहाँ पर। तो 2% से 6% के बीच में अगर हमारी इन्फ्लेशन रेट होगी तो वो अच्छा इन्फ्लेशन रेट है, उससे जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल्स भी कम से कम रहते हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो अगर एक सरकार अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है? इसके कई तरीके हो सकते हैं दोस्तों। वैसे तो कंट्री का सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, और नॉर्मली जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया के केस में जैसे RBI है, वो हमारे देश के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करता है अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर या फिर कम करके। चाहे इन्फ्लेशन कितना भी जरूरी हो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, लेकिन अगर पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस पर आए कि आपको पर्सनली कैसे पड़ेगा इन्फ्लेशन से, तो इसका एक नेगेटिव ही रूप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, कि आप जो पैसे सेव करते हैं वो ओवर टाइम अपनी वैल्यू को लूज करता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि लोग अपने कैश को, अपनी सेविंग्स को बेड के नीचे रखने की जगह अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लोग उससे गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहीं कुछ लोग क्रिप्टो करेंसीज यानी बिटकॉइंस में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई का ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।